Hello kids, welcome back to our new video. The chapter number 7th, that is measurement. आज हम पढ़ेंगे measurement के बारे में. Now what is this term measurement? Measurement मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का measure करना यानी उसे नापना कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना पतला है, right? उसके size के बारे में, उसके shape के बारे में पता करना, right? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि एक ये line है, तो इसकी कुछ ये एक दूसरी लाइन है, तो इन दोनों की मेजरमेंट कुछ अलग होगी ना, राइट? आपकी एक पेंसिल होती है और जब वो यूज़ करते करते छोटी हो जाती है तो दोनों की मेजरमेंट अलग अलग होगी, राइट? एक कुछ लेंथ एक की दूसरी होगी और छोटी वाली पेंसिल की दूसरी लेंथ होगी. सो दैट इज टर्म मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को नापना, राइट? सो अब मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पेज पे आपके दिया हुआ है लॉन्गर एंड शॉर्टर वर्ड का यूज. सो लॉन्गर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विच वन इज, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, इसमें कौन सा शॉर्टर होगा और कौन सा लॉन्गर होगा, राइट? ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है. आपकी पेंसिल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यो पेंसिल दिस वन इज शॉर्टर एंड दिस इज लॉन्गर. ये लंबी है, बड़ी दिख रही है साइज में. लाइक अगर मैंने ये लाइंस बनाई हैं, सो दिस इज शॉर्टर लाइन, राइट? एंड दिस इज लॉन्गर वन, ये लॉन्गर लाइन है, ठीक है? नाउ ये क्या है? लैडर, राइट? सो दिस इज लॉन्गर लैडर एंड दिस इज शॉर्टर वन, है ना? शॉर्टर लैडर है, ये छोटी है और ये लंबी है. नेक्स्ट, टिक द लॉन्गर वन, है ना? लॉन्गर को टिक करना है. कौन सी लीव आपको लॉन्गर दिख रही है, लंबी कौन सी है? सो दिस वन इज लॉन्गर, है ना? पेड़ की पत्तियां, लीव्स. एंड झाड़ू है ये, इसमें से कौन सी लॉन्गर है? दिस वन, ये वाली लॉन्गर है, राइट? इट इज कॉल्ड ब्रूम, है ना? झाड़ू को क्या बोलते हैं? ब्रूम. नेक्स्ट, टेक द शॉर्टर. अब इनमें शॉर्टर देखना है, ये रस्सी है, रोप, राइट? सो दिस इज शॉर्टर, ये छोटी है साइज में, राइट? नेक्स्ट, ये स्टिक है कोई भी, है ना? तो इसमें से कौन सी शॉर्टर स्टिक है? दिस वन इज शॉर्टर स्टिक. सो अब आपको लॉन्गर और शॉर्टर पहचानना आ गया. आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, सो उसमें कुछ बच्चे हाइट में ज़्यादा होंगे, सो दे आर लॉन्गर इन लेंथ, है ना? वो लॉन्गर होंगे, और जो हाइट में शॉर्ट होंगे उन्हें शॉर्टर बोल सकते हैं. सो इस तरह से आप लॉन्गर और शॉर्टर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट. मैंने आपको पहले भी बताया है ना, किसी एक चैप्टर में, जिसमें बिगर और बिगेस्ट की बात आई थी, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट, EST वर्ड लग गया. सो लॉन्गर और शॉर्टर तो तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है. एंड लॉन्गेस्ट कब यूज़ करते हैं, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट? जब दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन होता है, तीन या चार चीज़ों में अगर आप कंपेयर करेंगे. लाइक यहाँ पे तीन ये मिर्च दी हुई है ना, लाल मिर्च है ये, तीन दी हुई है. अब इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सी होगी और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, मीन्स सबसे लंबी और सबसे छोटी. सो दिस इज अ शॉर्टेस्ट वन, है ना? ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है और ये सबसे लंबी है, ठीक है? अगर मैं इसको छुपा लूँ, इन दोनों की सिर्फ बात करूँ, सो ये लॉन्गर होगी, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो लॉन्गर और शॉर्टर बोलेंगे. बट अगर तीन में कंपैरिजन हो रहा है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट और ये लॉन्गेस्ट होगी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे टिक द लॉन्गेस्ट. सो अगर मैं देखूँ, ये सबसे छोटी है और ये इससे बड़ी है, बट लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली, बीच वाली, राइट? सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. ओके, नेक्स्ट कॉर्न है, विच इज लॉन्गेस्ट कॉर्न, सबसे लंबा कॉर्न कौन सा है? भुट्टा बोलते हैं इसको. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्न. अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट बताना है हमें. सो ये स्टिक है, शॉर्टेस्ट स्टिक कौन सी होगी? दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टिक, सबसे छोटी, है ना बच्चों? इन तीनों में सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है? ये वाली. सो दिस, इस पे टिक करना है, शॉर्टेस्ट टिक, राइट? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. और यहाँ पे टॉलर एंड शॉर्टर. नाउ लॉन्गर मतलब क्या होता है? बड़ा, राइट? टॉलर मींस हाइट में लंबा. ओके, सो जैसे ये दो इंसान हैं, यहाँ पे मैन दिए हुए हैं, राइट? तो शॉर्टर और टॉलर, टॉलर मींस लंबा. ओके, तो ये कंपैरिजन होता है मोस्टली लिविंग चीज़ों में ही माना जाता है ज़्यादातर, राइट? सो शॉर्टर एंड टॉलर, जिराफ दिए हुए हैं, ये शॉर्टर है, छोटा बच्चा है जिराफ का, और ये टॉलर वन है ना, टॉलर जिराफ है. नेक्स्ट इज ये बर्ड्स दी हुई हैं दो, तो ये छोटी है, राइट? और ये टॉलर है, इसकी गर्दन कितनी लंबी है ना? सो दिस इज अ टॉलर वन,
राइट, ये टॉलर है। इन दोनों में कौन टॉलर है? एक बड़ी काव है और ये गाय का बछड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? काव, राइट। सो टॉलर कौन सी है? ये वाली, हमें टॉलर पे टिक करना है। नेक्स्ट, पप्पी एंड एक डॉग, ये बड़ा डॉग है और ये पप्पी है छोटा सा, राइट। सो इसमें शॉर्टर टिक करना है। तो इन दो चीज़ों में जब कंपैरिजन हो रहा है तो मैंने आपको बताया शॉर्टर यूज़ करते हैं। सो दो चीज़ों में कंपैरिजन है, ये वाला छोटा है सो इसे शॉर्टर को टिक करना है। नेक्स्ट, दो पेड़ दिए हुए हैं, है ना, इनमें शॉर्टर कौन सा है? ये वाला। बहुत ईजी चैप्टर है, राइट, है ना बच्चों? आपको तुरंत पता लगता जा रहा है कि छोटा है उसे शॉर्टर बोलते हैं, जो लंबा है उसे टॉलर बोलते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ क्या दिया हुआ है? टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। सिमिलरली, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ठीक है? तो आपको डिफरेंस समझ आया होगा। शॉर्टेस्ट, अगेन ई एस टी लग गया ये, है ना, और ई एस टी लगते ही इसका मतलब हो जाता है सबसे लंबा, सबसे बड़ा, राइट। सो तीन हाउस दिए हुए हैं, विच इज द टॉलेस्ट वन? टॉलेस्ट हाउस कौन सा है? ये वाला, है ना, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है, राइट। सो टॉलेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्टेस्ट है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, तीन पेड़ हैं, ट्री, राइट। सो ये दिस इज द टॉलेस्ट और ये छोटे इन्हें पौधा बोलते हैं, राइट। सो इट इज द शॉर्टेस्ट वन। अब यहाँ पे टिक करना है विच इज द टॉलेस्ट, टिक द टॉलेस्ट। सो टॉलेस्ट वर्ड कौन सा है? ये है टॉलेस्ट, सबसे लंबा तो यही है, राइट। इसकी नेक बहुत लंबी है, है ना? ऐसा आपने कभी देखा है कहीं पे कुछ इस टाइप का वर्ड कोई? अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो कभी ना कभी आप देख लोगे कहीं घूमने जाओगे तो, राइट। नेक्स्ट, टेक द शॉर्टेस्ट वन। ये कौन है? ये तो जोकर है, आपने टीवी में तो ज़रूर देखा होगा, और अगर आप सर्कस देखने कभी गए होंगे तो वहाँ पे ये होते हैं, है ना। तो ये टॉलेस्ट है, राइट, एंड ये शॉर्टेस्ट है। सो हमें टिक करना है शॉर्टेस्ट पे, सबसे छोटा। क्लियर बच्चों? तो बहुत ईजी चैप्टर है, फटाफट से आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो। सो थिकर एंड थिनर, ये दो अगेन टू वर्ड्स है ना, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं बच्चों। सो थिकर मीन्स मोटा और थिनर मीन्स पतला। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक किसी स्टिक की अगर मैं बात कर लूँ, सो एक थिकर स्टिक है और एक थिनर स्टिक है, है ना, मीन्स एक पतली स्टिक है और एक थोड़ी सी मोटी स्टिक है, है ना, डंडा होता है ना जिससे आपकी पिटाई भी हो सकती है, तो वो स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो सिमिलरली, जैसे आपने देखा होगा आपकी मॉम की जो ये चोटी होती है ना, चोटी करते हैं अगर आपकी मॉम, तो वो थिकर होती है, बट अगर जो छोटी गर्ल्स हैं, है ना, कम एज की, तो उनकी चोटी पतली होती है, सो दैट इज थिनर, एंड आपकी मॉम की जो चोटी होती है वो थिकर होती है, राइट। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थिकर और थिनर में क्या डिफरेंस है। सो कुछ और चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दी हूँ, इन पर बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है इस पेज में, राइट। सो दो और चीज़ें दी हुई हैं, आई थिंक ये थ्रेड है ना, रील जो होती है जिससे कपड़े सिले जाते हैं, तो वो किसी रोलर पे लपेटा हुआ है, और ज़्यादा थ्रेड अगर लपेटा जाएगा तो वो थोड़ा सा मोटा होगा, राइट। सो ये थिकर है और इसमें कम थ्रेड है, सो दिस इज थिनर, राइट। सिमिलरली, दो झाड़ू दिए हुए हैं यहाँ पे, ये थिनर वन और ये थिकर है, तो किस पे हमें टिक करना है? टिक द थिकर। सो विच इज थिकर, कौन सा है थिकर? दिस वन, राइट। सो इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट, दो ट्री दिए हुए हैं, एक थिकर ट्री, एक थिनर ट्री, राइट। सो वी हैव टू टिक ऑन थिकर ट्री। सो ये है थिकर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दो एरो दिए हुए हैं, है ना, आपने देखा होगा, आप कभी कहीं मेले में गए होंगे तो वहां पे मिलता है ना ये एरो, राइट। सो वहां आपने देखा होगा कुछ थिकर होते हैं और कुछ थिनर होते हैं, सो विच वन इज थिनर, इसमें पूछा है, टिक द थिनर, सो दिस इज थिनर एरो, राइट। सिमिलरली, एक रोप है, रस्सी आपने देखी होगी, पतली और मोटी रस्सी, है ना, सो थिनर कौन सी है? दिस वन इज थिनर रोप, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं, नाउ थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। सो थिकर और थिनर कब यूज होगा? जब दो चीजों में कंपैरिजन होगा। और थिकेस्ट कब यूज होगा? सेम ई एस टी लग गया और इस टाइप के आप वर्ड्स बहुत सारे पढ़ चुके हो, राइट। रिमेंबर, बिगर और बिगेस्ट, है ना, बिगर जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, बिगेस्ट कब यूज होता है? जब ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है, तीन या तीन से ज्यादा चीजों में, राइट। सो यहाँ पे अगर तीन चीजें गिवन है, लाइक थ्री बुक्स आर गिवन, एक इतनी मोटी बुक है ना आपके पास होंगी, कोई बुक मोटी होगी, कोई बुक पतली होगी, राइट, किसी में कम पेजेस होंगे, दैट इज थिनर। सो थिकेस्ट कौन सी होगी और थिनेस्ट कौन सी होगी? सबसे पतली बुक, दैट विल बी कॉल्ड थिनेस्ट, और जो सबसे मोटी होगी, दैट इज थिकेस्ट, राइट।
तो EST लगने से कंपैरिजन ज्यादा चीजों में होता है, मींस सबसे मोटी और सबसे पतली। क्लियर? सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है ना, ये रोलर है राइट, चार्ट पेपर का रोल बनाया हुआ है। सो थिकेस्ट कौन सा होगा? जो बड़ा रोलर होगा उसको आप अगर रोल करोगे, बड़ा चार्ट होगा उसको अगर आप रोल करोगे तो वो थिकर होगा, थिकेस्ट होगा राइट। और जिस जो कम होगा, शॉर्ट होगा, उसको अगर आप रोल बनाओगे तो वो थिनेस्ट होगा। क्लियर? सिमिलरली आपके पास पेंसिल्स होती हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की राइट। सो कौन सी, विच इज थिकेस्ट, सबसे मोटी कौन सी दिख रही है आपको? दिस वन राइट, ये रेड वाली, इट इज थिकेस्ट। और टेक द थिनेस्ट, ये तीन ब्रश हैं, पेंट ब्रश राइट। सो थिनेस्ट कौन सा है? ये वाला सबसे पतला है, सो इस पे टिक कर देंगे थिनेस्ट। क्लियर है ना, थिकेस्ट और थिनेस्ट, थिकर और थिक थिनर में राइट। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड हैवियर और लाइटर। सो हैवियर मीन्स भारी और लाइटर मीन्स हल्का। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन है तो हैवियर और लाइटर होगा ना, दो चीजें हैं कोई भी राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा गिवन है ना, कोई एक एप्पल है या टोमेटो है और पम्पकिन है। तो पम्पकिन होता है कितना हैवी होता है, बोलते हैं ना इट्स वेरी हैवी। सो इट इज हैवियर देन दिस, है ना, इससे ये हैवियर है, और इट इज लाइटर देन पम्पकिन, है ना। ये एप्पल है या फिर टोमेटो है, जो भी है, सो इट इज लाइटर देन दिस पम्पकिन। सो हैवियर और लाइटर में आप कंपैरिजन समझ गए, जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है तो भारी और हल्की होती है चीजें राइट। अब ये एलिफेंट है और आंट, सो आंट इज ऑब्वियसली द लाइटर वन, है ना, लाइटर होगी आंट, हल्की होती है। चींटी को आप अपने हाथ पे रख सकते हो, बट क्या एलिफेंट को आप अपने हाथ पे रख सकते हो? ऑब्वियसली नो। सो एलिफेंट इज हैवियर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें देख लेते हैं। अ शर्ट, और ये क्या है? ताला है, लॉक राइट। सो अगर आपने कभी इस लॉक को हाथ में लिया होगा तो आपकी शर्ट भारी होती है, ये लॉक, ऑब्वियसली ये लॉक हैवी होता है क्योंकि ये मेटल का होता है राइट। सो लाइटर पे टिक करना है, शर्ट इज लाइटर, है ना, हल्की होती है ना शर्ट्स। तो नेक्स्ट, दो सिलेंडर दिए हुए हैं, है ना, तो छोटा वाला ऑब्वियसली ये छोटा वाला लाइटर होगा, तो हमें लाइटर पे टिक करना है, दिस इज लाइटर वन, और ये हैवियर होगा। क्लियर? नाउ टिक द हैवियर। अब इसमें से हैवियर चीज को टिक करना है, सो हैवियर कौन सा है ऑब्जेक्ट? इन दोनों में पतंग बहुत हल्की होती है, काइट, है ना, आपने देखी होगी आसमान में। अभी तो आई थिंक आप लोग काइट नहीं उड़ा पाते होगे, बट आपने अपने से बड़े भाई बहनों को या किसी को देखा होगा काइट उड़ाते हुए राइट। बट जो जिसपे धागा लपेटा जाता है ना, चरखी, तो ये हैवियर हो गई राइट। सो वी हैव टू टेक ऑन हैवियर, सो ये है हैवियर राइट। नेक्स्ट, फिश है, दो फिश हैं, है ना, और ये कौन सी फिश लग रही है? कलर भी इसका ब्लू है, तो शायद ये ब्लू व्हेल है, और ये बहुत हैवी फिश में आती है राइट बच्चों। सो आपने कभी ब्लू व्हेल देखी है? लेट मी शो यू द ब्लू व्हेल, इट इज ब्लू व्हेल, है ना। सो ये बहुत हैवी मछली होती है, और एक छोटी सी मछली आपने किसी एक्वेरियम में देखी होगी। सो विच वन इज हैवियर? ऑब्वियसली दिस बिग वन, ये हैवियर होगी। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। नाउ हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, सेम, हैवियर और लाइटर कब यूज किया था? जब दो चीजों में कंपैरिजन था। और हैवीएस्ट और लाइटेस्ट कब यूज होगा? जब तीन या उससे ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होगा राइट। सो यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, सेम है, एक वाटरमेलन है, सो एक बहुत बड़ा सा वाटरमेलन आपने देखा होगा, उससे छोटा और उससे छोटा, थ्री वाटरमेलन्स आर देयर राइट। सो लाइटर बोलेंगे इस वाले को या लाइटेस्ट बोलेंगे? ऑब्वियसली लाइटेस्ट, सबसे हल्का, हैवीएस्ट सबसे भारी। क्लियर? सो इट इज हैवीएस्ट एंड द स्मॉलर वन, ये जो सबसे छोटा है ये सबसे हल्का होगा, मीन्स लाइटेस्ट। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू टेक ऑन हैवीएस्ट। अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं राइट right? So, इन तीनों में कौन सा, ये डमरू है ठीक है, और ये वाटर कंटेनर है। सो इन तीनों में कौन सा लग रहा है आपको सबसे हैवी? दिस वन इज द हैवीएस्ट, है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, इससे हैवी ये है और ये सबसे हैवी है राइट। सो ऐसे आपको देख के पहचान सकते हो ठीक है। आपके घर में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होंगी तो उनमें आप कंपेरिजन करना, विच इज हैवीएस्ट एंड विच इज लाइटेस्ट। आप अपने सामने तीन या चार ऑब्जेक्ट्स को रखिए, उनमें से आप खुद से प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके देखो ठीक है बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं, टिक द लाइटेस्ट। अब इनमें सबसे हल्का क्या होगा, है ना, ये हैमर, ये कबर्ड है ना, बुक शेल्फ है तो बुक्स रखते हो यहाँ पे,
और ये कोई एक शर्ट या टॉप है, राइट? सो सबसे हल्का क्या होगा? ऑब्वियसली दिस वन, लाइटेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, टेक द हेवीएस्ट. अब इन तीनों में सबसे हैवी क्या होगा? एक बकेट है, बॉटल है, लंच बॉक्स है, राइट? सो इन तीनों में हैवीएस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी भी भरा हुआ है, यहाँ पे साफ दिख रहा है. सो ये तो हैवी होगी ऑब्वियसली. क्या आप एक बकेट उठा पाते हो भरी हुई? नहीं उठा पाते होगे, राइट? सो इट इज द हैवीएस्ट वन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. एंड इस पेज पे क्या है? बस दो पिक्चर्स गिवन है और कुछ लिखा हुआ है. सो द बुक इज 3 स्पैन्स लॉन्ग. नाउ दिस वर्ड स्पैन, व्हाट इज स्पैन? स्पैन भी एक मेजरमेंट होती है. और एंशियंट टाइम्स पे, अब तो आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, आई थिंक आपको आइडिया होगा, किलोमीटर, मीटर, इस टाइप से सुना होगा. तो ये मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं जो आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों? बट एंशियंट टाइम में जब बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, है ना, ये सारी यूनिट्स नहीं बनी थी, तब हम मेजरमेंट कैसे करते थे? तो आपको पता है कैसे नापते थे? या तो आप हाथ से नापते थे, लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर दिस बोर्ड, है ना, तो मैं ये इस टाइप से कैलकुलेट करूंगा, इस टाइप से मेजर करूंगा, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये 3 स्पैन हुआ. यहाँ से और यहाँ तक का कितना हुआ बच्चों? यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं मेजर करूँ, 1 स्पैन एंड 2 स्पैन, राइट? सो ये 2 स्पैन का मेजरमेंट निकला. सो स्पैन आपकी हथेली के मेजरमेंट को, यहां से यहां तक के मेजरमेंट को स्पैन बोलते हैं. क्लियर? सो दिस बुक, आप अपनी बुक को देखोगे तो आप 2 या 3 अलग अलग बुक्स हैं अलग अलग मेजरमेंट की. तो अप्रोक्सीमेटली ये लड़की अपनी बुक को मेजर कर रही है. सो इट इज 3 स्पैन्स लॉन्ग, राइट? अगर आप जिस जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, अगर आपके आसपास कोई टेबल है, सो उस टेबल को अगर आप मेजर करो, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट एक आइडिया ले लेता हूँ, 8 और 10 स्पैन्स लॉन्ग होगी आपकी टेबल, राइट? 10 स्पैन्स लॉन्ग कह देता हूँ टेबल, ठीक है? तो आप स्पैन से मेजर करके देखिए. क्लियर बच्चों? और आगे बढ़ते हैं. ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हियर, है ना, तो अपने फ्रेंड को पकड़ो, उसके हाथ को, और यहाँ पे इस टाइप से रख के और इसको ट्रेस कर दो, राइट? ट्रेस मीन्स उसको सेम कॉपी कर देना, उसकी बाउंड्रीज को, राइट? तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना. अगर आप हाथ रखोगे और इसके लॉन्ग इस टाइप से बनाओगे तो कैसा बनेगा? इट विल लुक लाइक दिस, है ना. ये आपकी फिंगर्स हो गई, राइट बच्चों? ऐसा कुछ बनेगा, है ना. सो आप अपने फ्रेंड की पाम को रखे, उसे ट्रेस करो. सो इट इज कॉल्ड स्पैन. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट पेज. आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है मेजर. अब यहाँ पे उसी स्पैन का यूज किया है ना. सो आप मेजर करो, द टेबल इज, तो मान लेते हैं अप्रॉक्स 10 स्पैन लॉन्ग. तो ये सबके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. हो सकता है आपके घर में बड़ी टेबल हो या फिर छोटी होगी. अगर छोटी टेबल होगी तो वो 5 स्पैन की हो सकती है, 8 स्पैन की हो सकती है. अगर ज़्यादा बड़ी टेबल है तो 10, 12 और 15 स्पैन की हो सकती है. क्लियर? सो सबका आंसर यहाँ पे वेरी कर सकता है. नेक्स्ट इज द माई पेंसिल इज हाउ मेनी स्पैन लॉन्ग. तो आपके पास जो पेंसिल है, अगर वो यूज करते करते छोटी हो गई है तो वो 1 स्पैन की बची होगी. अदरवाइज कॉमनली 2 स्पैन की पेंसिल होती है. अगर आप नई पेंसिल, न्यू पेंसिल आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 स्पैन लॉन्ग होती है. क्लियर? मेजर करके देखो आप. नाउ नेक्स्ट इज माई क्लासरूम बोर्ड इज हाउ मेनी पेंसिल्स लॉन्ग. सो आप अब पेंसिल से मेजर कर सकते हो. सो सपोज दिस इज अ पेंसिल, राइट? और इससे आप बोर्ड को जब मेजर करोगे तो आप देखोगे जितनी पेंसिल्स आप रखते जा रहे हो इस टाइप से बोर्ड पे, उतनी ही पेंसिल्स लॉन्ग हुई ना वो चीज़, वो बोर्ड हुआ. सो अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया ले लेता हूँ मैं कि ये भी 5 पेंसिल्स लॉन्ग है आपका बोर्ड, ठीक है? 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है बच्चों? तो ये भी वेरी करेगा, आपकी पेंसिल कितनी बड़ी है और बोर्ड भी छोटे और बड़े साइज के होते हैं. सो आपके यहाँ आपके क्लासरूम का जो बोर्ड है उसे आप मेजर करके देखना, ठीक है बच्चों? नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज पे द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग. अब नाउ दिस 10 फीट, ये जो फीट वर्ड है आपने सुना होगा फुट. फुट मीन्स पैर होता है ना बच्चों? क्या होता है? पैर. पैर को इंग्लिश में फुट बोलते हैं. एंड फीट इसका प्लूरल फॉर्म है. अगर ज्यादा 4-5 पैरों की बात हो रही है तो फीट वर्ड का यूज करते हैं, राइट? सो 10 है, 10 फीट लॉन्ग मीन्स वॉट? लाइक दिस,
दिस बॉय इज मूविंग, है ना, तो ये 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet ऐसे करके मूव करेगा, जितने फीट लॉन्ग है। सो ये अगर अपनी कारपेट को नापेगा, इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है 1, 2, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो ये अप्रोक्सीमेटली 10 feet लॉन्ग है, ठीक है। आपका पैर आप रखते जाओ स्टेप बाई स्टेप। सो वो मेजरमेंट फीट में होती है। नेक्स्ट, द मैट इज 6 feet लॉन्ग। अब आपके घर में कोई मैट होगी या फिर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट होगी, कारपेट हो या मैट हो, राइट, आप बेडशीट को भी यूज कर सकते हो, उसको आप मेजर करके देखना, है ना, कंटिन्यूसली अपने पैर का मूवमेंट करना और स्टेप बाई स्टेप जाओगे और काउंट करते जाना 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। तो कितने मीटर, कितने फीट लॉन्ग है आपके यहाँ, अगर कारपेट है तो वो, या मैट है, या फिर आप बेडशीट का भी यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। सो द मैट इज 6 feet लॉन्ग। ये गर्ल है, ये मेजर किया इसने अपने घर की मैट को, दैट इज 6 feet लॉन्ग। नेक्स्ट इज गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 trees। तो आप जहाँ कहीं ग्राउंड में या पार्क में खेलने जाते हो, तो आपके घर के आसपास 2 पेड़ खड़े होंगे ना, 2 trees, उनके बीच में कितना गैप है, तो उस गैप को आप कैसे मेजर करोगे, फीट से, राइट। सो हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज दैट डिस्टेंस। तो आप पैरों से मूवमेंट करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप और काउंट करते चले जाओगे, राइट। सो ये कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट आंसर्स हैं। गेस द डिस्टेंस, तो मैं गेस कर लेता हूँ 20 feet, ठीक है बच्चों, 20 feet इसका आंसर हो सकता है, 30 feet हो सकता है। ये तो आप समझ सकते हो ना, ट्रीज जो है अलग अलग डिस्टेंस पे, इनको कोई फिक्स तो नहीं होता है, क्लियर। और ज़्यादा हो सकता है, 100 feet हो सकता है, हो सकता है एक पेड़ आपके घर के पास हो, दूसरा पेड़ बहुत दूर हो, क्लियर। सो आप ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देखना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और ये चैप्टर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चैप्टर एंड्स हियर, ख़त्म हो गया है, लास्ट पेज था आपका ये। तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, मेनली आपने सीखा मेजरमेंट, हाउ टू मेजर एनीथिंग, राइट। आपने हैवियर, लाइटर, हैवीएस्ट, लाइटेस्ट, लॉन्ग, टॉल, ये सारे वर्ड्स सीखे यहाँ पे। तो अब आप मेजर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों का, आपको मेजरमेंट का, किसी भी चीज़ को नापने का या उसका अंदाज़ा लगाने का आइडिया आपको थोड़ा सा मिल गया है। हायर क्लासेस में इस चैप्टर को आप और आगे पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ आया होगा, है ना, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।